फ्रेंड्स, वेलकम टू माय योगी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राई राइस। फ्राई राइस हम बचे हुए चावल से बनाएंगे। अक्सर घर पे चावल बच जाते हैं जिसका हम फ्राई करेंगे। एक बॉल उबला हुआ चावल लेंगे जिसे हम अनियन में फ्राई करके बनाएंगे। एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे, गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और एक बड़ी टेबल स्पून ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें छोटी वाली राई डालेंगे, छोटी वाली सरसों डालेंगे। सरसों हमारी क्रैकल हो जाए तब इसमें हम एक चौथाई टीस्पून जीरा डालेंगे, एक पिंच हींग डालेंगे, करी लीव्स डालेंगे, ताजे करी लीव्स क्रैकल करेंगे। उसके बाद हम एक बड़ी साइज का प्याज लंबे आकार में काट के इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसे डार्क ब्राउन होने तक पकाएंगे। बचे हुए चावल को इस तरह से फ्राई करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। प्याज हमारी डार्क ब्राउन हो गई है, अब इसमें एक टीस्पून जितना अदरक लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। राइस में नमक मिला हुआ है उस अनुसार नमक डालें। गरम मसाला डालेंगे एक टीस्पून, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, एक टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, एक टेबलस्पून फ्रेश धनिया डालेंगे। सब सामग्री अच्छे से सौटे करेंगे। अब उबला हुआ राइस डालेंगे, राइस को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाले में उसे अच्छे से मिला देंगे। राइस को मसाले में अच्छे से मिलाने के बाद दो टेबलस्पून जितना पानी छिड़केंगे। अच्छे से पानी छिड़कने के बाद इसे कवर करेंगे। दो मिनट के बाद फिर से इसे एक बार स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद इसे फिर से एक बार कवर करेंगे और दो मिनट होने देंगे। दो मिनट के बाद हमारा फ्राई राइस बनके तैयार है। दो पिंच जितना लाल मिर्ची स्प्रिंकल करेंगे, फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। कोरिएंडर और मिर्ची को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऊपर से फिर से थोड़ा फ्रेश कोरिएंडर गार्निश करेंगे। ये लीजिए, हमारा अनियन फ्राई राइस बनके रेडी है। आप भी इस तरह बचे हुए चावल को अनियन में फ्राई करें और मज़ा लीजिए फ्राई राइस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।